हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बोरेक्स पाउडर पर। यह मार्केट में इजीली मिल जाता है और हार्ड फॉर्म में ये देखने पर बिल्कुल फिटकरी जैसा ही दिखता है, लेकिन ये फिटकरी नहीं होता, ये अलग होता है फिटकरी से। ये बोरेक्स पाउडर है जिसको एकदम पाउडर फॉर्म में बना लिया गया है, और ये बोरेक्स है हार्ड फॉर्म में और ये है फिटकरी। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा अलग है, ये बिल्कुल वाइट है। आज हम बोरेक्स के बेनिफिट्स पर और प्लांट्स में कैसे यूज कर सकते हैं सब पर बात करेंगे। बोरेक्स, इसे सुहागा, टंकण, बालसुधा कई नामों से जाना जाता है, और Na2B4O7 इसका केमिकल नेम होता है। बोरेक्स में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी इसके अंदर पानी मौजूद रहता है बहुत ही कम मात्रा में, और इसका नेचर हॉट होता है यानी गर्म होता है, और ये एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है। बड़े ग्रेनल्स हमेशा अशुद्ध होते हैं, यानी ये जो इसके ग्रेनुल हैं ये अशुद्ध फॉर्म में हैं, और ये शुद्ध फॉर्म में है। जो पाउडर बन जाता है वो शुद्ध फॉर्म में हो जाता है। अब इसको शुद्ध कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बर्तन में आपको ये बोरेक्स ग्रेनुल डालने हैं, उसे गैस पर चढ़ा देना है और चम्मच चलाते रहना है। जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, और लास्ट में पाउडर ही बचेगा, और जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो सारा उड़ जाएगा और ये पाउडर बन जाएगा। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे जैसे ही गर्म करेंगे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप बोरेक्स को गर्म करेंगे तो पहले ये चिपचिपा होगा, उसके बाद में ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एल्कलाइन नेचर का होता है। तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर इन पहाड़ियों में ये पाया जाता है, और झील के किनारे ये ड्राई फॉर्म में मौजूद रहता है, वहाँ से इसे कलेक्ट किया जाता है। आयुर्वेद में बोरेक्स के काफ़ी यूज़ हैं, जैसे जिन बच्चों का डाइजेशन ख़राब होता है उनको ये दिया जाता है, या फिर जिनको ज़्यादा कमर दर्द रहती है उनको ये सुहागा दिया जाता है। सुहागा कफ में, ड्राई खांसी में, ब्रोंकाइटिस में भी दिया जाता है। स्त्री रोग हो या फिर मुंह की छाले, इनमें भी सुहागा यूज़ किया जाता है। गठिया में भी सुहागा यूज़ किया जाता है, और भी आयुर्वेद में इसके काफ़ी यूजेज होते हैं। बोरेक्स फफूंदी नाशक और कीटनाशक के रूप में प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। इसे सोना गलाने और कपड़ों के ड्राई क्लीन्स में भी यूज़ किया जाता है। प्लांट्स में काम आने वाले मुख्य तत्व बोरॉन की कमी को भी बोरेक्स पूरा कर देता है। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बोरॉन बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। बोरेक्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। घर के क्लीनिंग में भी बोरेक्स काफ़ी यूज आता है। अगर आपके गार्डनिंग टूल्स पर जंग लग गया है, या आप गार्डनिंग टूल्स को डिसइन्फेक्ट करना चाहते हैं फंगस से, तो आप बोरेक्स को नींबू के साथ मिक्स करके गार्डनिंग टूल्स को क्लीन कर सकते हैं। इससे गार्डनिंग टूल्स क्लीन हो जाएंगे, और सोइल में उगी खरपतवार भी बोरेक्स दूर कर देता है। बोरेक्स का यूज़ आप एज ए फर्टिलाइज़र भी कर सकते हैं। बोरेक्स में बोरॉन कंपाउंड पाया जाता है, जो प्लांट्स की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा देता है। अगर प्लांट में बोरॉन की कमी हो जाए तो फ्लावर्स की संख्या कम होने लग जाती है, तो बोरॉन बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। बोरॉन की कमी से जड़ों का विकास भी रुक जाता है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए आप बोरेक्स एज ए फर्टिलाइज़र प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप बोरेक्स सोइल में छिड़केंगे उससे चींटियां भी भाग जाएंगी, इससे ये भी फायदा होता है। इसे आप ड्राई भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम बोरेक्स पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड। इसे एफिड्स, वाइट फ्लाई, वाइट मिलीबग, माइट्स ये सब किल हो जाएंगे। सुहागा यानी बोरेक्स, ये वाइट कलर का होता है और ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और फिटकरी ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, यानी एसिडिक प्रवृत्ति की होती है। अगर आपको सोइल का पीएच 5 to 7 रखना है तो आपको फिटकरी का यूज़ करना होगा, और अगर आपके सोइल की पीएच 5 से कम है तो आपको बोरेक्स का यूज़ करना होगा, यानी इसको आप एल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगे सोइल को, तो आपकी सोइल का पीएच मेंटेन रहता है। तो ये सब आपको
अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपने सोइल में क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना, ये एक बैलेंस बना के प्लांट्स में यूज़ करना होता है। अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो फिटकरी सोइल को एसिडिक बना देगी, और बोरेक्स का ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो ये सोइल को एल्कलाइन बना देगी। अगर ज़्यादा एल्कलाइन हो गई सोइल तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, और अगर ज़्यादा भी एसिडिक हो गई तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो एक बीज का रेशियो रखना होता है। एक इम्पोर्टेंट यूज़ और होता है सुहागे का। अगर नींबू का प्लांट 5 साल का भी हो गया है और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो नींबू के प्लांट में सुहागा दिया जाता है, इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सीक्रेट होता है नर्सरी वालों का, और नर्सरी वाले सुहागा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी सुहागा यूज़ करके अपने नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कपड़ों के दाग, कालीन के दाग, फर्श, रेफ्रिजरेटर, बाथरूम सिंक, शावर, इन सब को बोरेक्स क्लीन कर सकता है और इन सब में यूज़ भी आता है। और डिटर्जेंट के साथ में 1 चम्मच यूज़ किया जाता है जिससे ये क्लीन कर देता है। बोरेक्स का स्प्रे अगर आलू के प्लांट पर किया जाए तो आलू में क्रैक्स नहीं आते, और एक रोग सभी प्लांट्स में लगता है जिसे झुलसा रोग बोलते हैं। तो झुलसा रोग आलू के प्लांट में नहीं लगेगा अगर बोरेक्स का स्प्रे 1 लीटर पानी में 5 ग्राम मिलाकर कर दिया जाए तो। इसके अलावा आलू, मिर्च, टमाटर, बैंगन, हाइबिस्कस, गुलदाउदी, इन सब में लीव्स मुड़ जाती हैं, तो आप बोरेक्स को स्प्रे करेंगे पत्तियों के ऊपर तो झुलसा रोग ख़त्म हो जाएगा। तो आपको 1 लीटर पानी लेना है और 5 ग्राम बोरेक्स मिलाकर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। बोरेक्स का यूज़ आप प्लांट्स में 2 मंथ में 1 टाइम कर सकते हैं, यानी 2 महीने में 1 बार कर सकते हैं। ज़्यादा यूज से प्लांट बर्न हो सकते हैं और ज़्यादा डोज से भी प्लांट बर्न हो जाएंगे। ज़्यादा डोज देने पर सोइल एल्कलाइन हो जाएगी, और ज़्यादा फिटकरी यूज़ करने से सोइल ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी। इसलिए मेंटेन रख के हर एक डोज मेंटेन करके दिया जाता है प्लांट्स में। अगर कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड है, यानी जिस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। यह है 1 लीटर पानी, और इसमें आपको 5 ग्राम लेना है बोरेक्स। ये 5 ग्राम के करीब है, और इसको मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है, और ये पानी में अच्छे से घुल भी जाता है। यह है नींबू का प्लांट, और ये काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट करवाने के लिए बोरेक्स के जो ग्रेनुअल्स हैं वो आपको यूज़ करने होंगे। आपको इतनी सी डली लेनी होगी बोरेक्स की, और सोइल में ऐसे गाड़ देनी होगी, और सोइल इसके ऊपर लगा देनी है। अब जैसे जैसे आप पानी देंगे तो ये बोरेक्स धीरे धीरे घुलती जाएगी और सोइल में मिलती जाएगी। इससे जितने भी प्लांट्स हैं जो आपके लगाए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही स्टार्ट हो जाएगी। और प्लांट में आप बोरेक्स को कुछ इस तरह से छिड़क सकते हैं, इससे चींटियां भी भाग जाती है और खरपतवार भी ख़त्म हो जाती है। और बोरोन की कमी भी दूर हो जाती है। कुछ इस तरह से आप छिड़क सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।